क्या आप जानना चाहते हैं कि YouTube वीडियोस में कैप्शंस या सबटाइटल्स कैसे डालते हैं, तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। कैप्शंस या सबटाइटल्स को थोड़ा डिटेल में विस्तार से समझ लेते हैं। पर कैप्शंस क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है? अगर आप अपने वीडियो में कुछ बोल रहे हैं तो देखने वालों को समझने में आसानी होती है। हर शब्द या हर चीज हमेशा साफ हो ये जरूरी नहीं। ऐसे में व्यूअर्स कैप्शन से आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी वजह है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन आसान भाषा में बोलूं तो दुनिया भर से लोग सर्च इंजन्स पर कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं, और अगर आपके वीडियोस में कैप्शंस हैं, तो ये सर्च इंजन्स ज्यादा अच्छी तरह से आपके वीडियो को और इसके अंदर के कंटेंट को समझ पाएंगे। फिर सबटाइटल्स की क्या जरूरत है? सबटाइटल्स तो आपने देखे ही होंगे। कई बार विदेशी या फॉरेन फिल्म्स के नीचे अनुवाद होता है, जिससे हम बेहतर समझ पाते हैं। अगर आप अपने वीडियोस को ग्लोबल ऑडियंसेस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने वीडियोस पर सबटाइटल्स से आप अपनी रीच या पहुंच को बढ़ा सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं कि अपने YouTube वीडियोस पर कैप्शंस या सबटाइटल्स कैसे डालते हैं। सबसे पहले YouTube पर गए और ऊपर साइन इन के बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन कर लेते हैं। साइन इन के बटन पर क्लिक किया, अब हम YouTube में लॉग्ड इन हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में है माय चैनल, उधर क्लिक किया, और अब यहाँ ऊपर है वीडियो मैनेजर। वीडियो मैनेजर पर गए, ये देखिए ये हमारा वीडियो मैनेजर खुल गया। अब हम एक वीडियो खोज लेते हैं जहाँ हमें अपनी कैप्शंस डालनी है। ये एक वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू डिलीट अ फेसबुक अकाउंट। इसमें मैं कैप्शंस डाल देती हूँ। यहाँ देखिए एडिट है और एडिट के साथ में एक एरो है, उस पर क्लिक किया तो एक डब्बा सा खुल गया। यहाँ पर नीचे सबटाइटल्स एंड सीसी है, उस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब एक नया पेज खुल गया, यहाँ पर आप इस वीडियो के साथ सबटाइटल्स या कैप्शंस डाल सकते हैं। यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट वीडियो की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, और अगर आपको सबटाइटल्स डालने हैं तो यहाँ पर ये ऊपर एक बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, और अब वो आपको बोल रहा है कि आप इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में चुन सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 160 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो अगर आप अपने हिंदी वीडियो को उर्दू में डालना चाहें या उसके सबटाइटल्स गुजराती या इंग्लिश या किसी भी भाषा में डालना चाहें, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और वो भाषा चुन सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने टाइप किया स्पैनिश, तो ये देखिए ये आपके पास ऑप्शंस आ गए, आप किसी भी भाषा में अपने सबटाइटल्स डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इंग्लिश ही चुनने वाली हूँ, तो मैंने टाइप किया इंग्लिश और यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चुन लेती हूँ। और अब देखिए पेज रिफ्रेश हो गया। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो वो बोल रहा है अपलोड अ टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट और टाइम्ड सबटाइटल्स फाइल। अगर आप कोई फाइल क्रिएट करके और इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो YouTube अपने आप आपके टेक्स्ट को इस वीडियो के साथ सिंक कर देता है। लेकिन अक्सर मैंने पाया है कि अगर आपका वीडियो इंग्लिश का नहीं है, तो YouTube इस काम में कुछ खास अच्छा है नहीं, और जो नतीजे आते हैं वो बहुत ही खराब आते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उसे अंग्रेजी में समझने की कोशिश करता है और असल में बहुत ही ज़्यादा जंबल्ड सा रिजल्ट आता है। इसलिए मैं ये वाला जो ऑप्शन है ये हिंदी वीडियोस या ऐसे वीडियोस के लिए रेकमेंड नहीं करती जो इंग्लिश में नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू सबटाइटल्स और सीसी है, तो इस पर क्लिक किया और ये देखिए ये वीडियो जो है ये अपने आप चलना शुरू हो गया। यहाँ पर देखिए ये तो है वीडियो, आपको यहाँ पर इस पेज को अच्छे से समझ लेना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कीबोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर स्टाइलस से कुछ टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसे छोड़ने वाली हूँ। फिर यहाँ पर समझ लीजिए कि ये है आपकी टाइमलाइन,
यहाँ पर आपको हर सेकेंड दिख रहा है कि ये क्या बोला गया है, ये है एक्चुअली आवाज। और जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइमलाइन पर स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा कि क्या बोला गया है। इसका क्या फायदा है हम इसे अभी थोड़ी देर में समझ लेते हैं, क्योंकि जो पॉजेज हैं, जो आपने अपने बोलने के बीच में गैप्स दिए हैं, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आप अपने कैप्शंस जो हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। फिर ये नीचे है मैग्नीफायर, यहाँ पर देखिए आप इसे हिलाते हैं तो आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे अगर ये इस तरफ हो, राइट साइड को हो, तो बेहतर है, क्योंकि आसानी से हम ये साउंड को और आवाज को पहचान सकते हैं। फिर है ये डब्बा जहाँ लिखा है पॉज वीडियो व्हाइल टाइपिंग, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम कैप्शंस टाइप करने वाले हैं और वीडियो जो है वो हमारी टाइपिंग के हिसाब से आगे बढ़ेगा। जब हम टाइप कर रहे होंगे तो वीडियो पॉज हो जाएगा और जब हम टाइपिंग छोड़ देंगे तो वीडियो अपने आप चल पड़ेगा। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, जैसे कि हमें अभी पता चलेगा। चलिए तो ये हमने पूरी स्क्रीन समझ ली। अब यहाँ पर देखिए एक्शंस है, एक्शंस पर आप चाहें तो यहाँ पर सबटाइटल्स को डिलीट कर सकते हैं, एक फाइल अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपने पहले से कोई फाइल अपलोड करी है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हम फ्रेश ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, हम नई कैप्शंस लिख रहे हैं, तो हमें ये सब अभी नहीं चाहिए। चलिए स्क्रीन पर हम क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये डब्बा है जहां पर हम सबटाइटल्स टाइप करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को हम प्ले कर देते हैं। चलिए यहां पर प्ले के बटन पर क्लिक कर दिया तो ये जो स्क्रीन थी इधर हम इसे थोड़ा सा सरका लेते हैं और एकदम एंड तक पॉज कर देंगे। चलिए यहां पर और ये है वो एग्जैक्ट स्पॉट। चलिए अब ये हिंदी में लिखा हुआ है क्या कैसे, तो अगर किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम इंग्लिश में लिख देते हैं क्या कैसे और फिर ये नीले रंग के प्लस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये सबटाइटल जो है इधर आ गया। अब हम इसे घसीट लेते हैं और ये देखिए इसे हम शुरू तक ले जाते हैं, जिससे कि वीडियो के शुरू से लेकर और लगभग 12 सेकंड तक ये इंग्लिश में क्या कैसे दिखेगा इस प्रकार से। चलिए तो ये हो गया खत्म, अब ये इधर आ गया। तो आप देख सकते हैं 0 सेकंड से लेकर के 12 सेकंड तक क्या कैसे आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ये अपने आप सेव करते रहता है। चलिए वापस से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ध्यान इस बात का देना है कि हमें कैप्शंस जो है एक चंक में लेने हैं, यानी कि कुछ सेकंड्स की आवाज जो है उसे एक साथ हमें ट्रांसक्राइब करना है। चलिए यहाँ पर क्लिक किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करें या कैसे बंद करें? तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डू यू वॉन्ट टू नो हाउ टू डिलीट अ फेसबुक अकाउंट। अब यहाँ देखिए ये यहाँ तक ये आवाज थी तो हमने इधर प्लस पर क्लिक कर दिया। ये कुछ ही सेकंड के लिए दिख रहा है इसलिए हम इसे ड्रैग कर लेते हैं और अब ये शुरुआत से प्ले हो जाएगा। तो अब यहां पर लेके गए, फिर प्ले किया तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम नमस्ते से पहले लेके जाती हूँ, यहां पर डाल देती हूँ। Then keep watching this video. और प्लस पर क्लिक किया, इसको ड्रैग कर लिया। यहाँ देखिए वापस से प्ले करके चेक कर लेते हैं कि ये सिंक है या नहीं। तो फिर ये वीडियो देखते रहिए।
इसको हल्का सा यहाँ तक ले गए, उसको हल्का सा इधर ले गए और इधर टाइप कर दिया, हेलो माय नेम इज एकता, और प्लस पर क्लिक कर दिया और इधर जो है इसको ड्रैग कर लिया। तो अब अगर हम इसे हेड को इधर लेके गए और प्ले किया, नमस्ते मेरा नाम एकता है, तो ये देखिए ये जो साउंड है आप इसके साथ अपने टेक्स्ट को सिंक कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रांसक्राइब करना जो है वो बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि 20.9 सेकंड है, आप यहाँ पर इसे अपने हाथ से मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको बतानी ज़रूरी है और वो ये कि जब आपके सब ट्रांसक्रिप्शंस ख़त्म हो जाएं, जब आप सबटाइटल्स ख़त्म कर लें, तो आप यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। जब तक आप पब्लिश नहीं क्लिक करेंगे तब तक आपके सबटाइटल्स या कैप्शंस आपके वीडियोस के साथ पब्लिक नहीं होंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी कुछ ही मिनट में अपने YouTube वीडियोस पर कैप्शंस डाल सकता है। कैप्शंस का एक फायदा और भी है, अगर आप इन्हें ढंग से करना सीख लेते हैं तो आपके लिए ये एक आमदनी का जरिया भी बन सकता है और आप खुद अपना फाइवर का अकाउंट बनाकर या ऐसी साइट्स पर जैसे कि freelancer.com पर अपना अकाउंट बनाकर आप दूसरे लोगों के वीडियोस को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और उससे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। अब आपने सीख लिया है कि YouTube वीडियोस पर कैप्शंस कैसे डालते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।